जय साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान के जो निर्माण प्रक्रिया था, भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पर भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या थे, भारतीय संविधान बनते समय जो अंतरिम कैबिनेट था उसमें कौन कौन लोग थे, और आज के ही सीरीज में ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो पूरा निचोड़ है, हम यूँ कह सकते हैं कि वन लाइनर जो प्रश्न है उनकी सीरीज को पढ़ेंगे। और आज इसी के साथ भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो सीरीज चल रही वीडियो की, वो समाप्त हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्रमवार रूप से देखिएगा, जहां पर मेरे द्वारा आप सभी के लिए निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में भारतीय संविधान की संपूर्ण सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। और बाकी जो नोट्स हैं, इसके लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का टेलीग्राम या ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो प्ले स्टोर पर है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी मेरे पास समय बचता है, मैं आप सभी के लिए हमेशा ये प्रयास करूंगा कि कुछ आपके लिए बेहतर कर पाऊं। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। तो जो भारतीय संविधान का स्रोत है, तो हम अगर आम बोलचाल की भाषा में समझे, जैसे आप देखते हैं जब कभी कभी भारतीय संविधान के किसी एक अनुच्छेद के अंदर कोई संशोधन होता है, पूरे देश में खलबली मच जाती है। और अगर अचानक जो भारतीय थे अंग्रेजों के बनाए संविधान को फॉलो कर रहे थे, अचानक अगर देश में कोई नई चीज थोप दी जाती तो उन्हें समझने में सालों साल लग जाते। इसलिए जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संविधान था, उसी का ज्यादातर हिस्सा लेकर हम अपने आगामी या अन्य जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें थी, जो अन्य देशों के संविधान में कुछ खूबियां थी, उनको ले आकर अपने देश का विस्तृत दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बना। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1935, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। जी हाँ, अगर हम आप लोग अगर इससे बात करें कि भारत शासन अधिनियम 1935 का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा, मन हम यूँ कह सकते हैं 70% से ज्यादा सशब्द या थोड़े परिवर्तन के साथ भारत शासन अधिनियम से लिया गया। लेकिन आपकी परीक्षा में हर बार यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये प्रयास करेंगे कि आप सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, वो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, ताकि हम आपके साथ भी ये पढ़ सके कि यहाँ से आपके परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला है, एक तरफ स्रोत एक तरफ प्रावधान, रट लीजिएगा, एक नंबर पक्के हैं। इसके बाद अंतरिम सरकार पढ़ेंगे, फिर भारतीय संविधान की प्रमुख वन लाइनर सवाल पढ़ेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। स्रोत अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या क्या था, संघात्मक व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछा जाता है कि जो संघात्मक व्यवस्था थी ये कहां से लिया गया था, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। राजनीति की आधारभूत संरचना लोक सेवा आयोग, ये सब कहां से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। जर्मनी के जो वीवर संविधान था, वहां से आपात उपबंध लिया गया था। क्या लिया गया था, आपात उपबंध। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगा आप लोग जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपात उपबंध का जिक्र किया गया है। अगला है, पूर्व सोवियत संघ, कभी कभी से USSR के नाम से आता है परीक्षा में, अर्थात ये रूस का संविधान है। कहां का, ये रूस का, ये पूर्व सोवियत संघ का के नाम से जाना जाता था, इसे हम रूस कहते हैं। यहां से सबसे ज्यादा बार सवाल पूछता है वह है मूल कर्तव्य, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं और आप भी जानते हैं। अभी सवाल आपसे भी पूछा जाता है कि जो ये मूल कर्तव्य है, ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जो मूल संविधान जिसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया, इसे बाद में ऐड किया गया। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, वैसे एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, और इसमें जोड़ा गया भाग 4 क। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क, प्रारंभ इसमें 10 थे, लेकिन एक बढ़ गया, अब इसमें कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। दूसरा, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द का जिक्र किया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो आदर्श न्याय की बात की गई है, यह भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। यह मोस्ट आईएमपी है, यहां से सवाल आपके परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। आप लोग अगर यहां तक वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगला है अमेरिका का संविधान, यहां से भी प्रायः आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगर हम अमेरिका के संविधान से बात करें तो यहां से मौलिक अधिकार,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग तीन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, माने जुडिशियल रिव्यू की बात करें, चाहे न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता। एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, एक प्रश्न प्राय आपके परीक्षा में यहां से पूछा जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, आगे हम लोग इसको जब भारत का राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ये संकल्प है कि अभी की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े और रेस मच्छर रखते खेत में नहीं। उपराष्ट्रपति पद, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, जैसे हम अनुच्छेद 63 की बात कर ले, राज्यसभा में पदेन सभापति, राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता कौन करता है, भारत का उपराष्ट्रपति, और भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। यह भी हम लोग उपराष्ट्रपति सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन जो यह प्रावधान है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। अगला, ये कहां से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। हम यूं कह सकते हैं भारत का जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का नायक या कमांडर होता है। ये भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको लग रहा है ये काम की चीजें हैं तो तुरंत इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रिटिश का संविधान। ब्रिटिश के संविधान से क्या के लिया गया है, अगर देखा जाए तो यहां से भी जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, ब्रिटिश संविधान था, ये एक मिला जुला एक रूप कह सकते, लेकिन फिर भी ब्रिटिश संविधान के नाम से हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया था। पहला, संसदीय प्रणाली, भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। दूसरा, एकल नागरिकता, जैसे हम केवल भारतीय, मैं जौनपुर का हूं इसकी कोई अलग से पहचान पत्र नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं इसका कोई पहचान पत्र नहीं है, बस मैं भारतीय हूं, चाहे मेरा आधार कार्ड हो चाहे वोटर आईडी हो, हमें वह दर्शाता है कि हम भारतीय हैं, हमारा पहचान पत्र केवल हमारे देश के नाम से बनता है। ऐसा नहीं राज्य के लिए अलग पहचान पत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग पहचान पत्र, ऐसा नहीं। जैसा अमेरिका में दोहरी नागरिकता, वहां राज्य की नागरिकता अलग है, अमेरिका की नागरिकता अलग है, लेकिन हमारे देश में केवल एकल नागरिकता है। विधि का शासन, हमारे यहाँ क्या है, विधि का शासन है। ये बार बार परीक्षा में सवाल आता है कि जो विधि का शासन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगला, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो संविधान निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी, हम लोग अभी तरह से वही पढ़ रहे हैं सीरीज ही, तो यह भी कहां से, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार, तो जो संसदीय विशेषाधिकार है यह भी कहां से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, माने हम यूं कह सकते हैं जो ज्यादा मत प्राप्त करेगा वह विजेता होगा, खासकर चुनाव में, यह लोकतांत्रिक देश के लक्षण भी है। यह भी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनी व्यवस्था, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, लोकसभा, राज्यसभा, माने इस तरह का जो प्रावधान है, द्विसदनी जो व्यवस्था है हमारे देश में, हमारे संसद में, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। कनाडा का संविधान, यहां से भी एक नंबर, मतलब अगर निर्माण प्रक्रिया आपने पढ़ लिया ताकि परीक्षा में एक नंबर पके पकाए हैं, यहां से भी झोला भर भर के सवाल आते हैं। आगे देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें जो महत्वपूर्ण पढ़नी है। सरकार की संघीय व्यवस्था, माने जो कनाडा का संविधान है यहां से लिया गया है, सरकार की संघीय व्यवस्था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, माने जो शक्तियां बच गई हैं, जो मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिया है संविधान में, राज्य के पास जो शक्तियां नहीं है उसे सीधा केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यूं कह सकते हैं बंटवारा, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहां तक की स्क्रीनशॉट आप अपने पास जरूर से सुरक्षित रख लीजिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। मेरा आपसे एक सवाल है, सरकारिया या सहकारी आयोग, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट, कहीं कहीं सहकारिया देता है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, एक सीरियस स्टूडेंट है,
तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद तब आगे पढ़ना शुरू करिएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहां से सातवीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है, सातवीं सूची में तीन प्रकार के विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, मतलब तीन प्रकार की सूचियों की बात की गई है। कौन कौन? पहला संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, फिर प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहां पर हमने देखा शक्तियों का जो बंटवारा है, जो वितरण है, यह कनाडा के संविधान से है। प्राय लोग गलती कर जाते हैं, जो शक्तियों का वितरण है, शक्तियों का जो बंटवारा है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का वितरण या बंटवारा है वो कनाडा से लिया गया है, जबकि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आगे आयरलैंड का संविधान, इसे आयरिश संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरिश। इसे क्या कहा जाता है? आयरिश। इसे हम आयरिश संविधान के नाम से जानते हैं, परीक्षा में आता है आयरिश संविधान। लोग कहते हैं यार आयरिश संविधान क्या है, तो आयरलैंड के संविधान को ही आयरिश संविधान कहते हैं। इसमें क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। कहां से? राज्य के नीति निदेशक तत्व। यह भाग किसमें है? यह भाग चार में है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इसका जो अनुच्छेद होगा यह 36 से लेकर 51 तक है। यह परीक्षा में यह भी सवाल आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, जो निर्वाचन की पद्धति, माने जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है या उसके जो निर्वाचन की पद्धति है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य के विधानसभा या जहां पे के शासी प्रदेशों में जहां जहां विधानसभा है उनको मिलाकर भारत का निर्वाचन मंडल तैयार होता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को, मतलब 12 लोगों को मनोनय करने का जो अधिकार है, यह राइट है। यह कहां से? यह आयरलैंड के संविधान या आयरिश संविधान से लिया गया है। आप लोग यहां तक अगर आपने पढ़ लिया है तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। अब हम और आगे चलते हैं। अगला है जापान। जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, यह कहां से लिया गया है? यह जापान के संविधान से लिया गया है। अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। माने अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। तो आप लोग यहां तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। और आप बताइए कि अभी कौन कौन सा ऐसा संविधान किन देशों से अडॉप्ट किया गया है, छूटा है, वो आप कमेंट करिएगा, वो हम आपको बताने का, या अगले वीडियो, या यू कह सकते हैं मैराथन क्लास में हम आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और हाँ, डेली क्लास में टाइम से आ जाया करिए और टाइम से पूरा पढ़ा करिए। बीच में पढ़कर जाएंगे तो उसका प्रतिफल नहीं निकलेगा। अगर क्लास बेहतर लगे अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, उन तक पहुंचाइएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इलेनी दुर्गेश के ऐप पर या अन्य कहीं भी देख रहे, क्योंकि निःशुल्क क्लास आप कहीं भी देख सकते हैं। तो इतना करिएगा, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाइएगा, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा घर बैठे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। देखिए इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा, इलेनी दुर्गेश से ज्वाइन कर लेंगे, सभी क्लास आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ये कहाँ पर? ये टेलीग्राम पर डेली क्लास की लिंक आपको यहीं से मिल जाएगी। और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीडीएफ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, खुद ही तेज आदमी है। भारतीय संविधान की विशेषता, यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो नोट्स आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं, उन कंटेंट को पढ़ाऊं जहां से सीधे परीक्षाओं में आप स्कोर करें, ताकि अब की बार एक सीट हमार कह सके। लिखित एवं विशाल संविधान कैसा है? लिखित एवं विशाल, भारत का संविधान लिखित और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। मेरा सवाल, सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
कि दुनिया का पहला कौन सा देश था जहां पे लिखित संविधान है, कौन सा देश है जहां का संविधान लिखित नहीं है। दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। भारत का संविधान कठोर भी है तो लचीलेपन का भी समावेशन आपको मिलता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत एक गणराज्य, कैसा लोकतांत्रिक। यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता, एक निश्चित कार्यकाल के लिए वो निर्वाचित होता है। भारत में संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार, यो मौलिक कर्तव्य भी है, हमारे मौलिक अधिकार भी है, बाद में मौलिक कर्तव्य को भी सम्मिलित किया गया। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है जो दुनिया के संविधानों से अलग है और सबसे बेहतरीन संविधान है। मुझे गर्व होता है कि हमारे देश के संविधानविदों ने हमें ऐसा संविधान दिया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो भी दिए गए, यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व तो भी सम्मिलित किए गए हैं। निर्वाचन अधिकार, यहाँ पे निर्वाचन अधिकार भी दिया गया है। एकल नागरिकता, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, हमारी केवल एक नागरिकता है वो है भारतीय। आपातकालीन उपबंध, भारत में अगर हम आप बात करें तो आपात उपबंध का भी जिक्र किया गया। मैंने शुरुआत में ही बताया तीन प्रकार के आपात उपबंध है, 352, 356, 360। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तीनों आपातकाल के बारे में क्रमवार रूप से पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। आगे है इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए अब हम और आगे देखते हैं। आगे हमें मिलता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, हमें सभी धर्मों का आदर करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम क्रिसमस डे भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, रक्षाबंधन भी मनाते हैं, पारसी का भी त्यौहार मनाते हैं, गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, रविदास जयंती मनाते हैं। माने हम अनेकता में एकता का दुनिया के नक्शे में सबसे बड़ा उदाहरण है तो हमारा देश है, भारत है, अपना देश है। संसदीय संप्रभुता है, हमारे संसद की संप्रभुता है, हमारे संसद के ऊपर दुनिया का कोई ताकत हमारे देश के ऊपर हावी नहीं हो सकता। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भारतीय संविधान की विशेषता है। विभिन्न स्रोत, हमने उन सभी तमाम देशों से जहां जहां जिस देश की प्रमुख विशेषता थी उसे अडॉप्ट करके अपने देश को अनोखा बेहतरीन संविधान का मॉडल देने का प्रयास किया है। आप लोग अगर यहां तक वीडियो आपने देख लिया है तो जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, नोट्स के चक्कर में तो नोट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप लोग इससे अपने पास सुरक्षित रख लें। अब हम और आगे चलते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। आगे हम लोगों ने देखा एक प्रश्न यहां से भी आता है, स्वतंत्र भारत का अंतरिम जो मंत्रिमंडल था यह 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था। यहां से आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं, कभी कभी एक एक सवाल आते हैं और हम लोग गलती कर जाते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंडल या कौन सा विभाग मिला था। लेकिन आज की सीरीज पढ़ने के बाद यह आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप भी ये स्वीकार करेंगे कि ई लर्निंग विद दुर्गेश क्यों बेहतर है, क्यों बेस्ट है, क्यों हर काम छोड़कर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश की क्लासेज पढ़ते हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक मंच दिया था कि मैं अपने ज्ञान आप तक पहुंचा सकूं। उसके लिए टीम ई लर्निंग विद दुर्गेश का थैंक यू और आपका भी, क्योंकि आपने वीडियो को शेयर किया है, थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार जब बना था 2 सितंबर 1946 को तो क्या क्या मिला था। मंत्रिमंडल के प्रमुख, विदेशी तथा राष्ट्रमंडल संबंध के जो मंत्रालय था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला। दूसरा वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, इन्हें गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्रालय मिला। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, सी एन भाभा खान ऊर्जा तथा कार्य मंत्री की बात करें या कृषि की बात की जाए, कार्य के बारे में इन्हें मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्रालय और खाद्य खाद्य विभाग और कृषि मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आसफ अली रेलवे और परिवहन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग मिला। यहां तक अगर आपने पढ़ लिया है तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, आपके मोबाइल में सिस्टम होगा, आपके डेस्कटॉप पे सिस्टम होगा। जगजीवन राम श्रम विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला, यह मोस्ट आईएमपी है। अब हम और आगे चलते हैं। अगला है लियाकत अली वित्त विभाग,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब्दुल रब निस्तार नस्तर, संचार डाक तथा वायु विभाग, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग, गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय, आईआई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्रालय। तो ऊपर के जो इतने थे जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, लियाकत अली तक, यहां तक आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके परीक्षा में सवाल ज्यादा आते हैं, इतने की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल। देखिए ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको बात करनी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, या नोट्स के लिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको सारी जानकारी क्या होगी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चलती हैं, तो आप यहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, मंत्री में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला, ये स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल बना उसमें किसे कौन कौन सा विभाग मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वो प्रधानमंत्री बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध का जो विभाग था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला। आगे देखते हम लोग, एक मिनट रुकिएगा आप सब, तो देखिए हमारा माउस जो बीच बीच में काम करना बंद कर देता है, इसे आप माउस कहते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मोस्ट आईएमपी, ये स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें शिक्षा विभाग मिला था किसे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण और राज्य मंत्रालय। 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री भी बनाए जाते हैं। आगे चलकर 23 अगस्त 1947 को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल उम्मीद है। जगजीवन राम जी को श्रम विभाग, सी एच भाभा जी को वाणिज्य विभाग मिला। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कभी भी यहां से प्रश्न आएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि की बार एक सीट हमार माने आपकी। हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई सवाल, कोई प्रश्न, एक सवाल मेरा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, मतलब कौन सा भारत का प्रमुख ऐसा राष्ट्रीय दिवस है जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के जीवन से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा दिवस है जो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण विभाग और जो परीक्षा वाले हैं, रफी अहमद किदवई, इन्हें संचार विभाग मिला था, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विधि विभाग, आर के षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्रालय मोस्ट आईएमपी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, वी एन गाडगिल कार्य खदान ऊर्जा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो अभी तक हम लोगों ने स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पढ़ा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक से दोबारा वीडियो को देखेंगे आपके दिमाग में फीड हो जाएगी और परीक्षा के टाइम मैराथन या ई लर्निंग विद दुर्गेश के जो नोट्स है उसे एक बार रिवीजन कर लेंगे, दो बार रिवीजन कर लेंगे, बाहर से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आइए उन अन्य कार्यों को भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, इसीलिए इस दिन झंडा दिवस मनाते, कौन सा, झंडा दिवस। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि भारत में झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसके बीच में चक्र है, इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में मिलाया गया या स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रगान जनगणमन है जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसे 65 सेकंड, जिसे गायन का जो समय है वो आपका 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत बंकिमचंद चट्टोपाध्याय या चटर्जी, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक। ये जो मूस है ना बीच बीच में काम करना बंद कर देता है।
एक मिनट रुकिए भैया आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, माने जो भारत सदस्य बना 1949 में राष्ट्रमंडल खेलों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारत इसी दिन गणतंत्र हुआ। तो भारतीय संविधान अंगीकृत आत्मर्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हो गया 1949 को 26 नवंबर को, लेकिन पूर्ण संविधान भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये सभी मोस्ट आईएमपी माने एक नंबर तो यहां से ही आपके परीक्षा में आ जाएंगे, एक नंबर यहीं से आ जाएंगे, जितना भी आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक आपके मन में कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, भारत की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से, माने प्रश्नोत्तर वन लाइनर है। झंडा समिति तदर्थ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष जो पहले भी थे ये प्रथम भी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 8। ये इंपॉर्टेंट है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो उसके अंतर्गत कुल 8 अनुच्छेद हैं। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बस ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में या कुछ अथेंटिक और बेहतरीन किताब में मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इसके आगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा आप लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ, ये खराब था। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी बनती है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को आईएमपी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे कब प्रस्तुत किया जाता है, 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया जाता है 13 दिसंबर को, लेकिन उसे स्वीकृत किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। यहां तक अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट कोई प्रश्न कोई सवाल नहीं है ना, हम और आगे चलते हैं। देखिए की पॉइंट है ये थ्योरी पढ़ने के बाद, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत संविधान निर्माण से लेकर संविधान बनने तक अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 22 अगस्त 1947 को। गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। 7 अंबेडकर जी को लेकर 7 सदस्य थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे हम ध्यान से देखते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे, और सबसे बड़ी समिति जो थी वो मूलाधिकार की समिति थी। कौन सी थी, मूलाधिकार। पूरे संविधान सभा में सबसे बड़ी समिति मूलाधिकार समिति थी, मूलाधिकार की समिति थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, साथ ही मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। तो इतनी की पॉइंट आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हम और आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के प्रथम बैठक 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को हुई, माने भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक होती है 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को, अर्थात 12 बजे के बाद। ठीक, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए। कितने, कुल 11 अधिवेशन। परीक्षा में इसका उत्तर सीधा 11 लगाना है, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 हो गया। अगर
संविधान के जो हस्ताक्षर के लिए बैठक की गई थी, अगर उसको सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल 12। तो अब आपको परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा में क्या जवाब देना है। आगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस मनाते हैं, इसी दिन प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह आपको भी रटा होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसे यह न पता हो। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N. राय को 1934 में रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। संविधान में हिंदी को राजभाषा, ध्यान दीजिए, के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इससे पूर्व भारत में अंग्रेजी को यह स्थान था, माने जो राजभाषा था पहले अंग्रेजी था, लेकिन संविधान में हिंदी को राजभाषा, मैं आप लिख दे रहा हूं, राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था, संविधान सभा का जो चिन्ह था वो क्या था? हाथी था। संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था, रट लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एससी मुखर्जी, टीटी कृष्णाचारी निर्वाचित हुए थे, ये दोनों निर्वाचित हुए थे। आज हम लोग ने भारतीय संविधान के उन प्रमुख तथ्यों को पढ़ लिया जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है, इन नंबर पर व्हाट्सएप कर घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजा इनसे चलती है। मेरे पास जो समय बच जाता है, मैं भी आपके लिए कुछ बेहतर देने का प्रयास करता हूं। जी हाँ, ये सभी क्लासेज आपको कहां चलती है? जौनपुर जनपद से। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना, मैंने आपको बताया है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ई लर्निंग विद दुर्गेश को ही फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मेरी भी ID अगर चाहें तो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर है, फेसबुक पे दुर्गेश अशोक जायसवाल है, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश को ही फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि हम गेस्ट के रूप में यहाँ पे पढ़ाते हैं जो समय मेरे पास बच जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसका अगला पार्ट जो होगा हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे अगले दिन इसी समय। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बेहतर देते रहिएगा, जहां जरूरत लगे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। जी हाँ, थैंक यू। हाँ थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी, और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी, और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में
प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। e-learning with दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012।